जीव तत्व में किसको लेना है? स्वयं जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन, वह मैं जीव तत्व। देखो आगम की अपेक्षा जिसमें ज्ञान दर्शन है उसको जीव तत्व कहेंगे। किसको? ये सारे ही जीव द्रव्य है, उनका अपना अपना ज्ञान स्वभाव है कि नहीं? ज्ञान आनंद हरेक का स्वभाव है, तो हरेक में वो है, परंतु हमें प्रयोजन है अपने सुख से। तो भगवान महावीर के अनंत ज्ञान अनंत सुख प्रकट हुआ है, उसका अनुभव भी कर रहे हैं, तो हमें उसका थोड़ा सा फायदा होगा कि नहीं होगा? हम उनके पास नहीं, वो हमारे पास आएंगे ना कभी? सिद्ध तो नहीं आएंगे, तो कौन कोई तीर्थंकर या कोई अरिहंत तो आ सकते हैं ना हमारे पास? हाँ केवली समुद्र नहीं समझ। हम सिद्ध क्षेत्र पर जाते हैं, वहां से तो सिद्ध चले गए, तभी हम वहाँ उस क्षेत्र में जाके उनकी याद करते हैं, उन्होंने कैसा पुरुषार्थ किया उसको समझना चाहते हैं, तो हम भी उससे प्रेरणा लेते हैं। तो जो 13वें गुणस्थान के लास्ट में अंत में, अभी सभी आयु कर्म और अन्य कर्मों की वो स्थिति समान नहीं है, तो समान होने के लिए सहज रूप से ये समुद्रांत होता है, क्या होता है? आत्म प्रदेश पूरे लोक में फैल जाता है, एक जीव के आत्म प्रदेश। तो हम जहाँ है हमारे आत्म प्रदेशों में उनके आत्म प्रदेश आए कि नहीं आए? नहीं, नहीं।, नहीं आए। एक क्षेत्र वाला संबंध हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। आए नहीं हो हमारे कोई एक द्रव्य के प्रदेश से दूसरे द्रव्य का प्रदेश कोई एक दूसरे में मिलते नहीं है, एक ही क्षेत्र में वो आ जाते अवगाहना देते, तो आपको कितना सुख हुआ? क्योंकि एक समय में अधिक से अधिक 40 भी केवली समुद्रात करने वाले और समेटने वाले हो सकते हैं, तो कितना सुख मिला हमें आपको? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य भिन्न है ना दूसरे द्रव्य से, यहाँ कुछ आता नहीं कुछ जाता नहीं। तो मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव है वह मैं स्वयं जीव तत्व हूँ, और मेरी अपेक्षा अन्य जीव भी सारे किसमें चले जाएंगे? अजीव। जो जैनी नहीं उनको हम क्या कहेंगे? अजैन है। जैसे मैं जो जीव हूँ मेरी अपेक्षा से बाकी कैसे अजीव तत्व? तत्व कहाँ? द्रव्य नहीं कहाँ, इससे बहुत खलबली हो जाती है। अजीव तत्व कहने से अरियंत सिद्ध हमारे माता पिता सब आप सब मेरे लिए क्या हो गए? अजीव तत्व में चले जाए। जीव तत्व नहीं मैं बस। जैसे हम कहेंगे किसी को भी पूछा आपकी माता कौन है, तो कितनी होगी माताएं? एक ही, जिसने गर्भ में रखा आपको जन्म दिया उसको एक को भी माता कहेंगे। अपन सासु माँ को भी माँ कहेंगे कि नहीं? माँ। और ऐसे भी माता भगिनी सबको कहते हैं कि नहीं? हाँ। तो क्या जगत में कोई माता नहीं है? क्या तुम अकेली? आपकी एक ही माता है, मेरे लिए एक ही है। जगत की स्त्रियां माता हो उसकी बात नहीं है, मेरे लिए माँ एक ही है। ऐसे मेरे लिए जीव तत्व मैं स्वयं एक ही हूँ, ये तत्वों में उसकी बात है। अध्यात्म में हमेशा स्व की मुख्यता होती है, फिर अजीव तत्व में पूरी दुनिया, अन्य सब जीव अन्य सब द्रव्य। अब उसके बाद आश्रव तत्व की बात है, प्रयोजनभूत तत्व है ना, तो आश्रव को जानना कि नहीं जानना? प्रयोजनभूत तत्वों को जाने बिना उसकी सही श्रद्धा की भी नहीं सका। तो क्यों जानना? क्योंकि हमको मालूम है, क्योंकि हम दुखी क्यों है? संबंध से आश्रव से दुखी है, और वो आश्रव क्या है उसको जानना भी चाहिए, और जानकर वो जुदा है उसके लक्षण से उसको पहचानना चाहिए। क्योंकि आश्रव भी सुना ना हमने, छड़ाला में भी आता है कि आश्रव दुख कार घने बुद्धिवंत तिन्हे निरवे। ये आश्रव ही दुख रूप है, दुख के कारण है। अभी बद्धराता का रेफरेंस दिया था गुरुदेव ने, क्या लिखा था? ये भगवान आत्मा यानी मैं जीव तत्व, और आश्रव क्या है? मोह राग द्वेष के परिणाम। वो कैसे है? दुख रूप है, दुख के कारण है, बंधन के कारण है, अशुचि है, तो उससे मैं जुदा हूँ। क्योंकि तत्वों की भाषा में मैं जुदा हूँ कौन? स्वभाव। मैं कहने से स्वभाव को मैं कहते हैं, समय सार को कौशिक की गाथा कौशिकी पिछले वहां जो मैं कहते हैं, मैं स्वभाव को लेना। और ये सारी बातें पर्याय में है। ये जो पांच तत्व है ना कौन से? आश्रव बंध संभव निजरा तत्व, ये सब पर्याय वाले तत्व है। ये पर्याय कथनचित भिन्नता है, यहाँ पर सर्वथा एकमेक नहीं हुए, क्योंकि स्वभाव तो अनादि से अनंत काल तक कायम वही का वही वैसा का वैसा रहेगा, उसमें रंच मात्र भी कोई कमी नहीं आने वाली। परंतु आश्रव और बंध कैसे है? तो दुख रूप भाव है, भावों की बात है ना यहाँ पर। ये कर्मों की बात छोड़ो, कर्म तो कर्म में, वो तो जड़ है, वो हमें कुछ नहीं कर रहा है, परंतु मेरे ही जो परिणाम जो है
आसरो बंध के जो परिणाम है कौन से, मोह राग द्वेष के परिणाम, वो दुखरूप परिणाम है और वो आसरो तत्व है, वो मेरे से जुदा है। पहले जुदा ही जाने बिना हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये कोई प्रश्न आया है यहाँ पर कि जीव के परिणाम बंधक के कारण है, बाकी सबको निमित्त मानते हैं, तो जीव के परिणाम कर सकते हैं या वह स्वयं अपनी योग्यता से अथवा स्वतंत्रता से होते हैं, ये प्रश्न आया। यानी क्या है, या हमको आश्रय को मोह राग द्वेष को रोकना चाहिए कि नहीं चाहिए, बहुत गुस्सा आता है तो थोड़ा कम करना चाहिए कि नहीं कही चाहिए। सब लोग सुनते हो ना, इतना स्वाध्याय करते हो फिर भी इतना गुस्सा करते, तो इनको कंट्रोल करना कि नहीं करना, करना सबने कहा कर। पहले में पहले ये तो मेरे मैं कहां साबित करना है, स्वभाव। जब मैं कहते हम मैं किसको मान रहे, ये मनुष्य जो ढांचा दिख रहा है वो मैं मानकर हम सब बातें कर रहे हैं। अब उसको मैं माना, उसमें मैंने मैंने क्या क्या इंक्लूड कर दिया, मैं स्वयं जीव तत्व स्वभाव ये राग द्वेष क्रोध आदि सारे, यहाँ जो कोई ज्ञान की गिनाधिक पर्याय होते वो भी, और ये शरीर काला हो रहा वो भी, ये सबको मिलकर ये पूरा मानकर मैंने मैं किया, ये मैं मनुष्य हूँ। पर मुझको राग द्वेष करना चाहिए कि नहीं, कंट्रोल करना कि चाहिए नहीं, व्यक्तों को संभालना चाहिए कि नहीं, ये सारे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं। मैं कहाँ स्थापित कर लिया हमने ये पूरे में, और फिर ये करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये प्रश्न हो रहा है। तो मैं कहाँ स्थापित कर दो स्वभाव, अभी स्वभाव स्वभाव कैसा है, परिपूर्ण होता है। ये हमारे यहाँ आते हैं ना, हमने स्वभाव के 5 पॉइंट सिखाए, कौन बताना चाहते हैं, कौन है हमारे यहाँ? ये पर्याय है ना, उसमें कारण की चर्चा होती है। स्वभाव में कोई कारण नहीं होता, अहेतु होता है, वो है और है, कभी वो पहले उत्पन्न हुआ ऐसा भी नहीं, स्वयं सिद्ध कहा, स्वयं वो भी नहीं कहा। तो स्वभाव स्वयं सिद्ध होता है, वो है और है, जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो अनादि से है, अनंत काल तक वैसा का वैसा रहेगा। तो अनादि अनंत है, स्वयं सिद्ध और ये तो परिपूर्ण होता है। स्वभाव में कोई कमी नहीं होती, परिपूर्ण होता है। ऐसा आपके पास घर में कोई दर्पण आईना होगा कि नहीं होगा, तो उसमें लिखा होता है ना, इसमें 25 चीजें झलकेगी, इसमें 50 झलकेगी, ऐसा होता है। जिसका जो स्वभाव है उसमें कोई लिमिट नहीं होती, उसको कहते हैं असीम अमर्यादित। तो हमारा आपका स्वभाव कैसा है, ज्ञान स्वभाव है। तो ज्ञान स्वभाव है तो स्वभाव में कोई कमी होगी कि इतनी चीजों को जानेगा, अकेले सो को ही जानेगा, अकेले पर को ही जानेगा, सामने वाले को ही जानेगा, अरे तीन काल को जानेगा, तो अपने को ही जानेगा, पर को नहीं जानेगा, पर में थोड़े ही को ही जानेगा। जो इंद्रिय ज्ञान है वो तो सामने वाली चीज को देखेगा, पर जो स्वभाव जो है केवल ज्ञान जिसमें से उत्पन्न होगा, स्वभाव जैसी जो पर्याय उत्पन्न होती है उसको हमने केवल ज्ञान कहा। तो केवल ज्ञान की एक पर्याय में सामर्थ्य कितना है, तो देखो लोक और अलोक सब मिलकर, यानी 6 द्रव्यों में लोक पूरा और अलोक पूरा ले लेगा, तो इनकी सभी गुणों को अनाद्यनंत सभी पर्यायों को स्व सहित सबको युगपत एक समय में प्रत्यक्ष जाने स्पष्ट जाने, वो केवल ज्ञान की एक पर्याय। और ऐसी अनंती पर्याय आज ही प्रवचन में है, ऐसी अनंती पर्याय वो ज्ञान गुण में से निकलती है। और ऐसे अनंत गुण हमारे में कितने अनंत है, आकाश प्रदेशों से अनंत। तो कहते इतना तो ऐसा स्वभाव है, तो ये जो स्वभाव है ना, तो अपने स्वभाव को ये जीव तत्व को और ये आश्रव तत्व को पहले जुदा मानना है। ये हमारी पर्याय में मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, तो ये मोह राग द्वेष के परिणाम हम क्या कहते हैं, इसको कंट्रोल करना कि नहीं करना। पहले में पहले उसकी भिन्नता का ज्ञान करो, मेरी भाषा में बहुत करो, होता है तो होने दो। पहले में क्या उसके साथ नाता छोड़ा दो, ये हमने क्या मान के रखा है, ये मेरे है, ये पुण्य है ना। देखो मैं सोच समझ कर शिविर में आए कि नहीं आप लोग सब, और यहाँ बैठे बैठे घर की याद आती, अरे वो तो सह जाते हैं, नहीं चाहते यानी अशुभ भाव तब होते हैं, और पुण्य पुण्य के परिणाम हम पुरुषार्थ से करते हैं।
यानी हम उसके करने वाले बन गए, कर्ता बन गए। एक और बात आई ना, कर्ता कर्माधिकारी, ये पुण्य और पाप का मैं करता हूँ ये मान्यता भी क्या है? पहले मैं क्या कर सकता उसके भेद क्या, अपने जो स्वभाव है अपने ज्ञान का करता मैं हूँ, और फिर राग द्वेष का नहीं, वो आते हैं पर वो मेरे से भिन्न है, ये पहले जानना है। इतनी चर्चा क्यों है? क्योंकि आश्रव की हमारी चर्चा करनी है और आश्रव के भेदों की यहाँ बात हो रही है। आश्रव है अपने पर्याय में, तो आश्रव को कम कैसे करेंगे? तो पहले से पहले उसका नाता छुड़ा देंगे, उसके पहले उसके सारे भेद प्रबोधन को जानेंगे। अपना यहाँ विषय क्या चल रहा है? आश्रव, आश्रव के भेदों को भी बिल्कुल जानेंगे। हमने उसके चार मूल भेद देखे थे, कोई बताएंगे यहाँ पर? ये चार मूल भेद देखे हमने, अब उसी की थोड़ी चर्चा चल रही है। तो मिथ्यात्व क्या है उसकी हमने चर्चा की थी, कि जो प्रयोजन भूत सात तत्व इनको जानना क्यों जरूरी है? हमको सुखी होना है तो मोक्ष तत्व को जानना जरूरी है, क्योंकि परिपूर्ण सुख मोक्ष दशा में होता है। और उसका उपाय क्या है? तो संवर और निजरा उसका उपाय है, तो उसको भी जानना चाहिए। किसको सुखी होना है? मुझे। तो पहले अपने को जानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो जीव तत्व को तो सबसे पहले जानना है, मोक्ष को भी जानना, संवर निजरा को। संवर निजरा को कैसे जाने, कैसा उत्पन्न होगा वो आश्रय और बंध के अभाव को, तो उसको भी जानना चाहिए। अजीव तत्व को क्यों जानना? वो जुदे है मैं उस रूप में हूँ, इसलिए जानना है। इसलिए ये जो सात तत्वों संबंधी जो सही जानकारी है और उस संबंधी सही मान्यता भी होनी चाहिए। क्या मान्यता? अभी हमने देखा आश्रय और बंध कैसे दुख रूप भावे, तो रखने योग्य है कि छोड़ने योग्य है? छूटेंगे जब छूटेंगे, पहले में पहले मान्यता सही करेंगे तो छोड़ने योग्य। संवर निजरा प्रकट, और एक देश है क्योंकि वो परिपूर्ण नहीं है, पार्शल। मोक्ष पूर्ण प्रकट करने से। अजीव तत्व कैसा ये है? वह मैं नहीं इतना जानने, हमने जानने योग्य कहकर पूरी दुनिया को जानते रहे, नहीं समझे? सुबह से रात तक पूरे खबरें चलते रहे, पूरी दुनिया की खबर रखने वाला अपने से बेखबर है ना, क्योंकि हाँ ये तत्व कहा तो हम जानते हैं ना। अरे इतना जानना था कि उस रूप मैं नहीं हूँ, और जानते रहना किसको है? अपने को। पर को जानते रहना नहीं, इतना जानना काफी है कि वो तो अजीव तत्व है, वो मैं उस रूप नहीं। इस तरह से ये जो सात तत्वों की जो सही जानकारी सही मान्यता है वो जिसको जब तक नहीं होगी तब तक तो उसको क्या कहेंगे? मिथ्यात्व। तो ये मिथ्यात्व के भी भेद प्रभेद अभी हम देखेंगे। तो पहले गाथा देखते हैं, 688 पेज गाथा की टीका चल रही थी अभी, क्योंकि यहाँ चार जो भेद बताए ना मूल प्रत्यय, उनके उत्तर प्रत्यय कितने होते उसकी चर्चा है, वो कौन कौन से वो फिर बाद में बताएंगे। नीचे का पैराग्राफ 688 पृष्ठ, मिथ्यात्व अविरत कषाय योग, ये चार मूल आश्रव है। आश्रव का ही दूसरा नाम यहाँ क्या लिखा है? प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ होता है कारण। आश्रवंती, आश्रवंती यानी क्या होता है? जो कारमान वर्गण है वो कर्म रूप को प्राप्त होते हैं, आते ही करते क्या, कहीं बाहर से नहीं आते, कारमान वर्गणा कर्म रूप होती है, उसको कहेंगे आश्रवंती। इसलिए इनको आश्रव कहते हैं, क्योंकि उसके वो कारण है, इनके द्वारा नहीं उनके निमित्त से, उनके भेद क्रम से। अभी हमारा क्रम क्या है? मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग, ये क्रम है, और इनकी संख्या का क्रम यही है। कौन सा? पांच, यानी पांच भेद किसके होंगे? मिथ्यात्व। 12 भेद अविरति के, 25 भेद कषाय के, और 15 भेद योग के। कौन से क्या है उसकी चर्चा नहीं, अभी तो मूल में भेद कितने हैं वो हमने जान लिया, अभी इसको देखते हैं। वहां एकांत विनय संशय विपरीत अज्ञान, ये तो पांच मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व के यहाँ पांच भेद बताए। वैसे मिथ्यात्व के बहुत अलग अलग उससे हम वर्गीकरण करते हैं, जैसे गृहित मिथ्यात्व, अगृहित मिथ्यात्व। ये अगृहित मिथ्यात्व क्या है? जैसे अनादि से मैं शरीर हूँ, ये किसी को सिखाना नहीं पड़ता। ये जो सात तत्व संबंधी जो उसकी विपरीत मान्यता है वो किसी ने सिखा ही नहीं है, परंतु ये मनुष्य हुआ ना तो ये कुछ और ज्यादा उसने तरक्की कर दी, क्या की नहीं? तो ये शरीर ही तू है, ये
बताया ये पैसा कमाएगा तो सुखी होगा, ये पुण्य कमाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, ये क्या है? और नया नया ग्रहण किया, तो पुराना तो था ही था और अधिक वो पुष्ट हो गया, उसको क्या कहेंगे? ये कोई देव हमारा कल्याण करेगा या काल ही सबका ये करने वाला है, ये सब क्या है? सभी गृह मिथ्या। तो ये एक तरीका है उसके भेद करने का। दूसरा तरीका क्या है? ये पांच भेद है, मैं नाम बताऊंगी आपको रिपीट करना है। देखो यहाँ लिखा है पुस्तक में, एकांत, विनय, संशय, विपरीत और अज्ञान, ये पांच प्रकार के होते। अभी वो एकांत किसको कहेंगे? तो ये वस्तु जो है तो अनेक धर्मात्मक होती है, नित्य भी है, जो स्वभाव की अपेक्षा नित्य है, पर्याय की अपेक्षा नित्य है। वस्तु यानी द्रव्य, द्रव्य जो छह द्रव्य है उसको कहेंगे वस्तु, उसको कहेंगे पदार्थ, उसको तत्व भी कहेंगे, पर प्रयोजनभूत तत्व वो द्रव्य नहीं है, वो अलग बात है। शास्त्र में जहाँ जिस अर्थ में जो शब्द आता है उसको बराबर अच्छी तरह से समझना है। तो यहाँ कहते कि मिथ्या तो जो पांच प्रकार का बताया है तो उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं यहाँ पर कि एकांत मिथ्या तो का अर्थ क्या है कि वस्तु सर्वथा एक ही प्रकार की है। जैसे वस्तु हमने देखा वस्तु में द्रव्य, उसका स्वभाव कायम रहता है और उसके पर्याय पलटती रहती है। तो द्रव्य नित्य है कि अनित्य है, ये मेरा प्रश्न। नित्यानित्यात्म्य है, यानी स्वभाव की अपेक्षा लगे ना नित्य है, और पर्याय की अपेक्षा द्रव्य को ही अनित्य, द्रव्य को अनित्य कहेंगे पर्याय की अपेक्षा से। ऐसे अपेक्षित कथन आता है और ऐसी वस्तु का स्वरूप है, परंतु कोई क्या मानते पर्याय होती नहीं, बस द्रव्य सर्वथा अनित्य है, अविनाशी है। जैसे आपने सुना होगा वेदांत में कहते हैं आत्मा कैसा है, सर्वथा शुद्ध है, नित्य है, अविनाशी है ऐसे। अरे हमको भी ऐसा ही लगता है, हमारी समय सार में भी ऐसा ही लिखा है। तो क्या ऐसा ही लिखा है? वो पर्याय का सर्वथा निषेध करते हैं, द्रव्य को सर्वथा नित्य मानते हैं, ये मिथ्यात्व है, इसको एकांत कहेंगे। कोई ऐसे भी है जैसे बौद्धमती है, वो क्या है? द्रव्य को सर्वथा क्षणिक मानते, द्रव्य ही नष्ट हो जाता है। अरे नष्ट होता है तो नया किसमें से उत्पन्न होता है? जब द्रव्य को नित्य मानेंगे तो उसमें से पर्याय हर समय कोई कोई होती रहती है। जैसे सोने नाम का धातु हमारा तो ध्रुव है, और वो सोने में से कभी हमने पगड़ी बनाई उसी को, फिर हार बनाए उसी का, तो कोई वहां ध्रुव रहने वाली चीज तो होनी चाहिए, तो वो मानते ही नहीं, वो सर्वथा क्षणिक मानते हैं, वो क्या है? एकांत। ऐसे कोई एक ही धर्म को पकड़कर उसको सर्वथा मानते हैं, ईश्वरी सबका करने वाला, ये सब क्या होगा? एकांत मिथ्यात्व। तो यानी ये वस्तु सर्वथा सत्व रूपी होती है, सर्वथा वो होती ही नहीं ऐसा भी मानने वाले नास्तिक मत वाले भी होते हैं, सर्वथा एक ही है ऐसे, यानी सबको मिलकर एक ही है, एक आत्मा ही है, अन्य कुछ नहीं है, ये आत्मा का ही जो कुछ है बाकी सब माया है, ऐसा भी मानने वाले। देखो इसी पुस्तक में जरा देख लेना, मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ। ये अपना विषय अभी विस्तार में नहीं लेने वाले, उसकी केवल हम थोड़ी झलक बताते आपको। 764 पेज निकालना, कर्मकांड पुस्तक दूसरी पेज नंबर 764, नीचे का 876 गाथा की जो ऊपर हेडिंग है ना उसको पढ़ेंगे, गाथा भी नहीं पढ़ेंगे आगे, जिनमें सर्वथा एक नए का ग्रहण पाया जाता है। अब ये नए किसको कहेंगे उसकी बात देखते हैं। वस्तु नए ये ज्ञान के भेद है, वस्तु को वस्तु कैसे हमने अभी देखी, हम एक ही एग्जाम्पल लेते हैं नित्य अनित्य ज्ञान का। तो वस्तु को जैसे अभी वस्तु को जानने के पहले हम वो सीता का उदाहरण लेते, रामायण की सीता तो सबके पहचान की है ना। तो मेरा ये प्रश्न है, वो बेटी थी, पत्नी थी, बहन थी के माँ थी, सब तो 25% पत्नी थी, 25% बेटी थी, पूरी पत्नी 100% क्या माता बेटी पत्नी थी, तो 100% माता और 100% पत्नी, एक ही अपेक्षा लगा सबसे नहीं, उसके हर एक की अपेक्षा लगा। तो अगर हम कहेंगे सीता माता भी थी, पत्नी भी थी, बहन भी थी, ऐसा कहेंगे तो कहेंगे उसको प्रमाण, सब सब एंगल उसने भी लगाए ना, सबको जानेंगे एट ए टाइम। परंतु नए से जानेंगे तो कैसे, वो जनक की अपेक्षा से पुत्री वहां ही लगा लो, पर हम पुत्री ही थी कहेंगे तो वो सर्वथा हो जाएगा, वो एकांत हो जाएगा।
और पुत्री भी थी तो ठीक है, परंतु हम अगर अपेक्षा लगाएंगे तो अभी अब ही लगा सकते कि जनक की अपेक्षा वो पुत्री ही थी। वो क्या हुआ, वो नए हो ना, अपेक्षा से कथन हुआ। एक पूरी सीता को हमने अपेक्षा लगाकर मात्र पुत्री, राम की अपेक्षा वो पत्नी ही थी, और लव कुश की अपेक्षा माता ही थी, और भामंडल की अपेक्षा वो बहन ही थी। वो क्या हुआ, अपेक्षा से जो जानना होता है या कथन होता है उसको कहेंगे नए। तो यहाँ क्या हो रही बात, एक सर्वथा एक ही नए का ग्रहण, ग्रहण ने जानना वस्तु सर्वथा वैसी ही है। जैसे हमने सीता को सर्वथा पत्नी ही कहेंगे तो क्या होगा, वो एकांत होगा, ये मिथ्या होगा, सही नहीं होगा। मिथ्या का अर्थ है खोटा, सही नहीं है। तो ऐसे एकांत मतों के अनेक भेद हैं। केवल उसके नाम सुनना, उसके डिटेल में नहीं जानेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल दे दिया मैंने। अब यहाँ 765 पृष्ठ पर लिखा है, क्रियावादियों के 180 भेद होते हैं, अक्रियावादियों को 84 होते हैं, अज्ञानवादियों के 67 होते हैं, और वैनिकवादियों के 32 होते हैं। अब ये कैसे निकाले, क्या निकाले, वो अपना अभी का विषय नहीं, अभी तो हमारी शुरुआत हो रही है ना। अभी उसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। अब नेक्स्ट पेज निकालना, 766। देखो उसमें बीच में लिखा है सर्वथा नित्य ही मानता है, सर्वथा नित्य, उसकी बात छोड़ो। 779 की टीका है ना, 879 की टीका, नीचे का पैराग्राफ, काल 766। मैं उसमें से मुख्य कुछ आपको एग्जाम्पल्स बता रही। काल ही सबको उत्पन्न करता है, काल ही सबका नाश करता है, सोते हुए प्राणियों में भी काल ही प्रकट जागता है, काल को कोई नहीं ठग सकता, उसे धोखा देने को कोई समर्थ नहीं। इस तरह काल ही से सबका मानना यह कालवाद, वाद है, वाद है कथन, सर्वथा, ये वाद शब्द आया वो सर्वथा के लिए, सर्वथा एक ही नए को पूरा मान लेना, वो है कालवाद। अब यहाँ नेक्स्ट पेज 767, आत्मा अज्ञानी ज्ञान रहित है तथा अनीश अर्थात अनाथ कुछ करने के लिए समर्थ नहीं है, उस आत्मा के सुख दुख स्वर्ग नरकादि में गमनागमन आदि सर्व ईश्वर का किया हुआ है। ऐसे मानने वाले बहुत मिलेंगे आपको, ईश्वर के भगवान के हाथ में, और उसके बिना इच्छा के बिना झाड़ का पत्ता भी नहीं है। तो कितने इतने झाड़ों के पत्ते गिनाने, कितनी इच्छा करता है, ख्याल में आता है, ईश्वर ने ही सबको सबको बनाया, तो उस ईश्वर को किसने बनाया, मेरी भाषा में मनुष्य की कल्पना की उपज है, ऐसा कोई ईश्वर है ही नहीं है सबको करने करने वाले, ये किसी की कल्पना है। ईश्वर यानी भगवान तो उसी को कहते जो पूर्ण वितरागी और सर्वज्ञ होते, अरिहंत दशा या सिद्ध दशा, उसको हम भगवान कहेंगे। और वो किसी के कुछ किसी का क्या, वो तो नहीं करते, हम आप भी किसी का कुछ नहीं कर सकते, वो ईश्वरवाद हुआ। अब कोई क्या मानते, एक आत्मा ही सब कुछ है, तो एक ही महात्मा, महात्मा वो महात्मा गांधी वाले महात्मा नहीं, एक ही आत्मा है बड़ा, वही पुरुष है। देखो आत्मा को पुरुष कहने की पद्धति, ये तो शास्त्र में पुरुष और स्त्री का वर्णन आता है, तो लिखते हैं पुरुषों ने लिखा है ना, तो पार्शलिटी की है स्त्रियों की, ऐसा नहीं। तो वही पुरुष है, देव है, सर्व में व्यापक है, सर्वांगपने से निगूढ़ यानी अगम्य है, चेतना सहित है, निर्गुण है, ये सब मिथ्या कल्पनाएं हैं, परम उत्कृष्ट है। इस प्रकार एक आत्मा ही से सबको मानना यह आत्मवाद का अर्थ होता है। अब नियतिवाद क्या होता है, देखो हम जब पांच समवाय सीखते हैं, अब सबने सुने नहीं होगे ना, उन प्रत्येक कार्य में पांच समवाय होते हैं, उसका जो स्वभाव से वो होता है, उसका जो विकार उपादान है उसका स्वभाव कहते हैं, फिर उसका क्या होता है दूसरा पुरुषार्थ है, उसकी जो परे अपने से हुई है वो उसका पुरुषार्थ है, फिर काल लब्धि यानी उसके स्व समय पर अपनी योग्यता से वो पर्याय उत्पन्न होती है, वो काल लब्धि है, फिर होना है होने वाली ही उत्पन्न होती है, और निमित्त नाम का भी होना संभव है वो भी, और वो सभी पर्याय के सुनिश्चित होते हैं। तो इसमें भी काल नाम का एक संभव है, काल लब्धि भी है। तो कहते हैं कि नियति नाम का भी है ना, होनहार जिसको कहेंगे, तो देखो उसमें भी नियति बताई ना, पर वो एक है, पांच में से एक है।
अब ये नियतिवाद वाला क्या मानता है, सर्वथा डेस्टिनी सब कुछ है वो नियति से होता है, डेस्टिनी से सब कुछ होता है, ये क्या है मिथ्या मान्यता है। तो कहते हैं जो जिस काल में जिसके द्वारा जैसा जिसके नियम से होना है वह उस काल में उसके द्वारा वैसा उसी का होता है, ऐसा नियम से है सर्वथा सबको मानना, वह नियतिवाद का अर्थ है। आप कहेंगे ऐसा ही हमने वो कार्तिकेय परीक्षा में भी सीखा है, जिस द्रव्य में जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस ऐसे होने वही होता है उसको कोई ताले में समर्थन नहीं, परंतु वो तो अपेक्षा सहित कथन है, पांचों समय का स्वीकार है वहां पर, परंतु जिसको वो नहीं मानता है उसको क्या कहेंगे नियतिवाद, ये क्या है सब मिथ्या एकांतवाद है। और भी उन्होंने बहुत सारे आगे बताए, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो दूसरे अधिकार का सारा जो है ये सब पाखंड की मत है। देखो ये पेज नंबर 771 पर देखा है, लिखा है 889 की टीका निकाल स्वच्छंद मन कल्पित दृष्टि अर्थात श्रद्धा दृष्टि ने मान्यता, यानी सब मनकल्पित दृष्टि से ये सब उत्पन्न किए ऐसे सब मान, यानी कोई किसी ने ऐसे मनकल्पित शास्त्र लिखे है, किसी ने और क्या क्या रचना की है ऐसे जीवों के द्वारा कल्पित 363 पाखंडियों के वचन जीवों में व्याकुलता उत्पन्न करते हैं, यानी दुख उत्पन्न करते हैं, मिथ्या होते हैं ना सारे, मिथ्यात्व के उदय से अज्ञानी जीवों के चित्त को मोहित कर लेते हैं। ये मिथ्यात्व कर्म का उदय तो निमित्त है, परंतु जीव स्वयं ऐसी कल्पना करके स्वयं आकुलित होता है तो उसका निमित्त कर्मों के उदय को कहने में आता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमने पांच नाम यहाँ भी लिखे ऊपर, एकांत, दूसरा है विपरीत, फिर विनय, संशय और अज्ञान, वही लिखा ना वही ऑर्डर, यानी वस्तु को सर्वथा एकांत जो वस्तु का स्वरूप होता है उसमें एक ही किसी को मानना बाकी है ही नहीं ऐसा मानना उसको क्या कहेंगे एकांत मिथ्या। और जैसे अहिंसा वो धर्म का एक अंग है ना, अहिंसा का सच्चा अर्थ क्या है राग आदि की उत्पत्ति होना ही अहिंसा है, तो राग आदि की उत्पत्ति ही नहीं होने में पूर्ण वितराग होना वही सच्ची अहिंसा है और वही समीचीन धर्म है, परंतु हिंसा में धर्म होता है, असत्य कहने में धर्म होता है, चोरी में धर्म होता है, परिग्रह में धर्म, ये सब क्या है मिथ्या मान्यता है, तो ये सब विपरीतता है। वैसे भी हमने देखा ना स्त्री को मोक्ष होता है द्रव्य स्त्री को उस पर्याय में मोक्ष होना मानना ये क्या है अज्ञान है सब, ये तो विपरीत कल्पना कल्पित कल्पनाओं से ये बातें, जैसे गृहस्थ दशा में कोई मुनि होते हैं कोई केवल ज्ञान प्राप्त होता है किसी को मोक्ष होता है ये सब क्या है सब विपरीतता है, ये ऐसी जो सारी कल्पना है वो सारा ही मिथ्या मत है, ये मिथ्या मान्यता है। उसके भी कुछ यहाँ उदाहरण दिए हैं मैं आपको कुछ बताती हूँ, ये अभी ईश्वरवाद और कर्मवाद नियतिवाद तो बताई दिया आपको, विपरीत मिथ्या तो हमें जैसे शरीर को आत्मा माना शरीर है मैं हूँ, विपरीत का अर्थ है उल्टा जैसा है उससे विरुद्ध, जो सही है उसे विरुद्ध मानना उसको हम कहेंगे विपरीत, तो शरीर ही मैं हूँ मानना, वस्त्र पात्र आदि सहित निर्ग्रंथ गुरु को मानना, यानी वस्त्र सहित ये मुनिराज है ऐसा मानना वो क्या है विपरीत मिथ्यात्व है, स्त्री के शरीर से मुनि दशा या मोक्ष मानना ये विपरीत मिथ्यात्व है, केवली भगवान को ग्रासा यानी कौलाहार होता है मानना क्या है विपरीत मिथ्यात्व है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है, यानी केवली को उपसर्ग होते हैं वस्त्र आदि होते हैं ये सब मानना सब मिथ्या, उनको क्रमिक उपयोग मानना, क्रमिक उपयोग समझते हैं हम आपका जो सूक्ष्म ज्ञान है हमारा जो जानना चलता है तो वहां तो क्या है ज्ञान होता है उसके पहले दर्शनोपयोग होता है, दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञान होता है, केवली भगवान के दोनों युगों पर होते हैं केवल दर्शन केवल ज्ञान एट टाइम चलते हैं, पर श्वेतांबर में उल्टी मान्यता है क्रम से होता है ऐसा मान्यता है, तो ये क्या है सब विपरीत मिथ्यात्व है। शुभ राग से मुक्ति होती है, क्या है ये शुभ राग से मुक्ति होती है क्या है मिथ्या मान्यता है,
इन्हें व्रत आदि करते 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 मैं शुद्ध हो जाऊंगा, ये सारी सारी मिथ्या मान्यता है, यही सारा मिथ्यात्व तो है। समझ में आते हैं, हमको तो सही बात क्या है उसको समझना है। देखो कोई क्रिया करने की नहीं करने की बात नहीं है, ये व्रतादि होते हैं, इनका प्रश्न ऐसा है कि चतुर्दशी के दिन उपवास करना कि नहीं करना। बोलो एकादशी तो करेगी कि नहीं करेगी, ये शुभ राग है वो आता है। अरे नहीं माना मैं करता हूँ, सच में देखा जाए तो उसको उस दिन रोटी का संयोग नहीं होना है। हमने देखा बोलते उसे सीखे तो उसने माना क्या है, ये मैंने किया, क्या किया, ये शरीर के कार्य तो मैंने किया ही किया, ये शुभ राग भी मैंने किया। मैं किसमें स्थापित किया, मैं मनुष्य हूँ, मैंने आज रोटी नहीं खाई तो मैं मेरा उपवास, पर मैं मनुष्य हूँ मैं आत्मा हूँ माना ही नहीं उसने, तो धर्म कहाँ से प्रकट होगा। मिथ्या तो नाम का बहुत बड़ा बड़ा भयंकर पाप चल रहा है, और ये छोटी छोटी क्रिया करके मैंने पुण्य कमाई, इतना पुण्य तो है नहीं, हम भागे नहीं कुछ करते, इतना तो कर सकते हैं, करने का निषेध नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी ऐसा ही कहा कि तब तक जब तक वो जो पूर्ण वितराग नहीं होते हैं तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धा इसी रखो, इसमें क्या है, ये बंध का कारण है, इससे मुक्ति नहीं होगी। और यहाँ प्रवृत्ति की बात ही नहीं, प्रवृत्ति जो शरीर की क्रिया है, जो बाहर का संयोग है, तो उस द्रव्य के अधीन है, वो हमारे अधीन नहीं है, हमारे अधीन अपने परिणाम है। कौन से परिणाम, ये तो शुद्ध परिणाम करना अपने हाथ है, ये राग आदि भी परिणाम स्वयं अपनी योग्यता से आते हैं। अब उसके लिए थोड़ा अभ्यास होगा तो वो बातें ख्याल में आएगी। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, ये विपरीत मान्यता में हमने देखे थे, एक विनय मिथ्यात्व नाम का भी मिथ्यात्व आता है, सब सबकी विनय करते हैं, कैसी, सर्वधर्म समभाव। अरे वो भी आत्मा की बात करते हैं, टीवी पर भी अभी घर में ही सब प्रवचन आते हैं ना, कोई भी धर्म के हो, कोई भी मत वाले, सब घर में बैठे मिल जाते हैं, हम उसमें से अच्छा अच्छा लेते हैं। अरे आपको सच्चा मालूम नहीं तो अच्छा क्या लेंगे उसमें, सबका कल्याण करो, सबको मदद करो, ये अच्छा लगता है सुनने को। अरे पर कर नहीं सकता, ये बात मैं मूड में पकड़ी नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, ये मूल बात पकड़ी नहीं है, और फिर इसको मदद करना कि नहीं करना है, घर में कैसे रहना, किसके साथ कैसे बर्ताव करना, ये बातें कहाँ, वो तो इसी की चलती रहती है, सबको क्षमा करना है, प्रतिक्रमण करो, अरे प्रतिक्रमण क्या होता है मालूम नहीं, अतिक्रमण किया है उसको प्रतिक्रमण करना, पर द्रव्य का मैं करता हूँ ये सब द्रव्यों पर अतिक्रमण कर दिया, ये मान्यता है सब, तो उससे हट जाएंगे तो हमने प्रतिक्रमण किया है, कुछ बोल दिया और हमने प्रतिक्रमण किया, हमको धर्म हुआ, तो ऐसी सारी बातें सुनते रहते हैं टीवी पर, क्यों, ये सही मान्यता होनी चाहिए। ऐसे सभी मिथ्यात्व से तो भरपूर है, और कुछ क्रियाएं की तो हमने धर्म किया, धर्म किसको मानते हैं, अरे धर्म तो वितराग का है, तो वितराग का समय दर्शन से शुरुआत होती है, वहां से धर्म की शुरुआत होती है, और हमने क्रिया करने को हम बहुत धार्मिक है, क्यों, हम रोज पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय में बैठते हैं, और फिर दयादान करते हैं, साल में दो बार यात्रा करते हैं, तो हम बहुत धार्मिक है, लोग भी उनको धार्मिक कहते हैं, तो ये धर्म हुआ कि नहीं हुआ, अरे अभी धर्म की शुरुआत नहीं हुई, धर्म किसको कहते वो मालूम नहीं हुआ, हम धर्म के नाम पर जो जो कर रहे हैं ना, वो सचमुच धर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, व्यापार धंधा जो जिसका जो कुछ उद्यम चल रहा है उसके बारे में अपना तो हिसाब रखता है कि नहीं, वो गवर्नमेंट को क्या दिखाते हैं उसके बाद में, अपने लिए तो समझता है ना कि कितना मैं फायदे में हूँ क्या नुकसान में, तो उसका कुछ तालमेल चलता है कि नहीं उसका, और यहाँ उसके परिणामों का, जिसको वो धर्म मान रहा है वो क्या सचमुच धर्म है, क्या वो नफे में चल रहा है कि नुकसान में चल रहा है, क्या हो रहा है उसके, ये बंद तो हर समय के परिणाम से हो रहा है। अब जिस परिणाम से इतना जो धर्म कमाया है वो कितना धर्म साथ में ले जाने वाला है, बोलो बोलो भाई, राजू भाई किसके लिए कमाते हो, बीवी बाल बच्चों के लिए कमाते हो, सब लोग ऐसा ही कहते हैं, सारे बच्चों को पूछो हैं, ऐसी कोई फैसिलिटी होगी आप लोगों में से कोई भी बताए कि इसमें से कुछ साथ में ले जाने की कुछ फैसिलिटी होती है, नहीं फोन
तो कितना छोड़ जाते जिनके लिए कमा रहे आज उनके लिए कितना छोड़ जाते कुछ नहीं छोड़ते चेतन में कुछ नहीं छोड़ते परंतु देखो ये कुछ ले नहीं जा सकते पर उस एक एक पर क्योंकि समय कितना सूक्ष्म है अभी उस समय की बात अभी नहीं उठाएंगे समय इतना सूक्ष्म काल का मेजरमेंट है तो प्रत्येक समय में जो कर्म बांधा है अभी अनियमित रूप से ही सब बातें चलेगी वो तो जीव के साथ में पड़ा रहेगा और उसका उदय का फल जीव को मिलेगा ही मिलेगा वो जो सारे कर्म है वो तो लेके जाएगा साथ में और उस परिणाम उसके पीछे के सारे परिणामों पे कर्म ले जाता है तो निमित्त की भाषा है एक्चुअली उसको फल किसका मिलता है उसके अपने परिणामों का मिलता है बीच में कर्म का निमित्त है इसलिए कर्म के उदय का फल कहने में आता है सच में देखो तो अपने ही मोहरा द्वेष के परिणामों का उसको फल मिल रहा है हर समय में और वो किया है और वो निमित्त रूप से कर्म बांधे हम कहेंगे कर्म को लेके गया है पर वो में भी वो कर्म का उदय होगा उसका फल मिलेगा और ये सारा जिनके जिन परिणामों से हुए ना उसका फल आपको मिलेगा और ये पैसा जो कमाया है ना इतने पाप करके उसका फल वो तो भोगेगी दूसरे जीव उनके पुण्य के उदय से बिना मेहनत के बिना मोहरा द्वेष के बच्चों ने तो कोई परिग्रह के ममता के भाव नहीं किए थे वो तो भोग रहे है ना और आपने परिणाम किए तो आप साथ में ले जाने वाले तो इसका हिसाब तो हम करते नहीं ना ये क्या है ये विपरीत मिथ्या तो चल रहा है ना ये विनय मिथ्या तो क्या है सब देवों के सामने झुकना ये विनय मिथ्या या राजा का विनय करो देव का विनय करो मामा माता का विनय करो इसका विनय से तुम्हारा धर्म होगा ये सारा है विनय मिथ्या ये मिथ्या तो है मिथ्या मान्यता है तो आप पूछेंगे विनय नहीं करना अरे वो विनय वाला देखो विनय तो मिथ्या तो भी होता है विनय तो शुभ भाव भी है विनय नाम का तप भी है ना तो वो तो यहाँ तो मिथ्यात्व की बात चले एक होता है अज्ञान मिथ्या तो पहले बताया हिंसा में धर्म मानना झूठ चोरी वगैरह विषय कषाय आदि में धर्म मानना ये सब क्या है अज्ञान मिथ्या तो ऐसे हमने ये पांच प्रकार के मिथ्यात्व देखे देखो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं अविरति किसको कहेंगे उसकी चर्चा करेंगे अविरति का क्या अर्थ होता है व्रत रहित बना व्रत नहीं होना व्रत किसको कहेंगे अनशन उपवास वगैरह किया ना वो सब व्रत हो गए ना हमने रस छोड़े पांच पापों का देखो देखो ये बाह्य त्याग को व्रत नहीं कहते क्योंकि अविरति अविरति ने असंयम बना कौन से गुणस्थान तक है चौथे तो जो मिथ्या तो गुणस्थान है मिथ्या तो गुणस्थान की पहचान क्या उसके आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है समय दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई तो ऐसे जीव को आपने पूछा ना उपवास करना कि नहीं करना कर रहे ना हम कहा ना करें तो उसने व्रत उपवास किया व्रत भी धारण किए किसी ने महाव्रत भी धारण किए तो उसकी अविरति छूटी कि नहीं छूटी उसका गुणस्थान पहला अभी गुणस्थान क्या है उसकी चर्चा नहीं की करेंगे हम तो उसको अविरति ही कहेंगे बाह्य में तो महाव्रत है किसी ने अनुव्रत धारण किए किसी ने अन्य कोई व्रत धारण किए परंतु उसको किसमें गिनेंगे अविरति क्यों विरति क्या है ये इंद्रियों के विषय से विरत होकर हटकर जो स्वयं आत्मा में स्थित होता है आत्मा का अनुभव करता है उसकी वो विरति चालू हो जाती है या छह प्रकार की है इंद्रिय की अविरति उसको असंयम भी कहेंगे जिसके दूसरे नाम है इंद्रिय असंयम संयम 12 प्रकार से बताया असंयम 12 प्रकार से कहेंगे कैसा इंद्रिय से विरत नहीं होना यानी इंद्रियों की लोलुपता नहीं जाना अपना अनुभव नहीं होना उसको इंद्रिय अविरति कहेंगे वो 6 प्रकार की तो 6 कौन सी इंद्रिया है 5 इंद्रिय और मन इनके बारे में उससे वो हटा नहीं है अपने स्वरूप में उसका अनुभव नहीं है तो उसको क्या कहेंगे इंद्रिय अविरति वो इंद्रिय अविरति किसको होगी मुनिराज को चौथे पांचवे गुणस्थान वाले को भी इंद्रिय के इसमें से वो हटा नहीं है और 6 कौन से प्रकार है प्राणी असंयम जिसको या प्राणी संयम जो संयम है उसको प्राणी संयम कहते हैं षटकाय षटकाय कर देते हैं पृथ्वीकाय अग्निकाय जलकाय वायुकाय वनस्पतिकाय और त्रसकाय इन जीवों की हिंसा से जो विरत है यानी अपने स्वरूप में गुप्त है उसको क्या कहेंगे वो उससे विरत हुआ
संयम हुआ और जो गुस्से से नहीं हटा है तो उसको कहते हैं अविरत है। अविरति कितने प्रकार के हैं? तो 12 प्रकार के। उसमें से 6 और 6 भेरी के कौन से? इंद्रिय संबंधी अविरति और काय हिंसा संबंधी अविरति। इस तरह से उसके 12 भेद हैं। हम पुस्तक में से बताते हैं आपको। देखो 688 पेज हम पढ़ रहे थे। हमने मिथ्यात्व के 5 नाम पढ़े थे, उसमें से 688 पेज पर नीचे से तीसरी लाइन में हमने पढ़ा था एकांत, विनय, संशय, विपरीत और अज्ञान। ये तो 5 किसके प्रकार हुए? मिथ्यात्व। और 5 इंद्रिय 6वें मन का अवशीभूतपना नहीं, अ लगाया और नहीं खा, यानी वशीभूतपना है, यानी इंद्रियों के वशीभूतपना है। 5 स्थावर, ये तो 6 प्रकार की इंद्रिय अविरति हुई। 5 स्थावर, 6वें त्रस की दया नहीं। स्थावर का कहना, स्थावर का अर्थ क्या है? पृथ्वी का ही, यानी एक इंद्रिय जीव है ना, 5 प्रकार के अलग अलग काय वाले जो जीव है, पृथ्वी का ही जीव है, अग्नि का ही है, वायु का ही है, जल का ही है, बड़े सब ये जो है और त्रस का ही, इसको कहेंगे षट कायिक जीव। तो ऐसे 12 अविरति, उनकी दया नहीं है, नहीं उन काय हिंसा से वो अभी हटा नहीं है, उससे वो विरत नहीं हुआ। आप कहेंगे बाहर में तो व्रत ले लिए ना, उससे हटना नहीं कहते। तो कहते ये हो गया 12 प्रकार की अविरति। तीसरा नाम क्या है यहाँ पर लिखा हुआ? हाँ कषाय। आप देखना जरा चार्ट में देख लेना, हाँ सब हो रहे ना यहाँ पर है ना, हाँ पहला नंबर का चार्ट बोर्ड पर देखो। यहाँ पर देखो, हमने यहाँ देखे थे मूल प्रत्यय मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग। देखो मिथ्यात्व 5 प्रकार का बताया, कौन से है? एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। संशय में मन, संशय में पेंडुलम जैसा, ऐसा है कि वैसा है, अरे आत्मा नाम कोई चीज है भी या नहीं भी है ना, ये इसमें से इतना हम सुन रहे हैं, उसमें से अपना कल्याण होगा भी या नहीं होगा, ये कभी इधर कभी इधर ये दोलायमान होता रहता है, वो तो संशय में कहेंगे। तो ये 5 प्रकार मिथ्यात्व के हो गए। अविरति के अभी हमने देखे थे 12 प्रकार। 5 इंद्रिय और मन के विषय में वो रागी है और दूसरा क्या है? वो 6 और षट का योग की हिंसा में प्रवृत्त है, उससे हटा नहीं है, वो 6 और 6 मिलकर ये 12 प्रकार की अविरति होती है। बाद में कषाय, अब यहाँ से चार्ट में देख लेते हैं फिर इसकी चर्चा करेंगे। कषाय में 16 कषाय और 9 कषाय उसकी चर्चा करेंगे और योग में वो योग के 15 भेद देखेंगे। अब हम कषाय की चर्चा करें, ये कषाय कर्मों के नाम भी वही है और जीव के परिणामों के भी नाम है। ये इसकी 4 जातियां है, कषाय की 4 जातियां जुदी जुदी है। वो कौन सी है? एक है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर, प्रत्याख्यानावर और संयोग। और हर एक में 4 प्रकार है, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो टोटल कितने होंगे? 4 × 4 = 16। इसको क्या कहेंगे? 16 कषाय, यानी उसको कैसे गिनेंगे? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ और 9 कषाय। 9 कषाय इसको ईषत कषाय, किंचित कषाय भी कहते हैं। वो है हास्य, रति, अरति, शोक, भय, गुस्सा, स्त्री वे, पुरुष वे, नपुंसक। ये सब क्या है? ये सब कषाय में गर्भित है। ये हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? मूल प्रत्यय आश्रमों की। ये क्या है? बंध के कारण है, समझे? अभी इसमें हम देखने वाले हैं किसका क्या है। तो एट ए टाइम बंध कितने कषायों का होता है मालूम है? मिथ्या दृष्टि को 100। अभी 9 कषाय छोड़ दो, 16 कषायों में से मिथ्या दृष्टि को बंध कितने का होता है? 16। और उदय? 4। देखो देखो, यहाँ प्रत्यय ने बंध का कारण पूछा,
कोई क्रोध करता है, मिथ्या दृष्टि क्रोध करता है तो अकेले अनंतानुबंधी का नहीं होता, अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्यक्षण क्रोध, प्रत्यक्षण क्रोध और संकलन क्रोध, चारों का उदय चल रहा है, उदय चार क्रोध का चल रहा है और बंध 16 का हो रहा है। प्रत्यय क्या है, कारण क्या है, क्रोध कर रहा है, मिथ्या दृष्टि तो चार है ही है और बंध कितना क्या हो रहा है, 16 का। तो क्रोध करना अच्छा के मान के माया के लोग और लोग कहते हैं थोड़ा मंद कषाय हो तो अच्छा है। अरे मंद है पर वो अनंतानुबंधी की उसकी जाति नहीं पड़ती है तो उसके तो सभी प्रकार वहां पड़े कि मंदता होने से कुछ फायदा नहीं है। बाहर में कोई बहुत शांत समाधानी दिखता है, सबन है मिथ्या दृष्टि, तो उसके चारों प्रकार के क्रोध मान माया लोग, और ऐसा नहीं कोई किसी को हम क्रोधी लेवल लगा लेते हैं किसी को लोभी, वैसा है नहीं होता। हर अंतर मूल में नियम से हृदय पलटता ही पलटता है, कभी क्रोध का कभी मान का कभी माया का लोभ का, अंतर मूल में फिर वापस लौट लौट कर होते ही होते नियम से, और नियम से सभी 16 का बंध तो हर ही समय चल रहा है। यानी इसमें से मंदता की है तो जीव संतुष्ट होकर बैठते हैं, देखो मंद परिणाम किए ना, अभी शुभ भाव किए ना, लेकिन शुभ भाव में भी चारों चल रहे हैं नहीं, तो बंध सबका हो रहा है ना, हो रहा, क्योंकि जब तक मिथ्या का चल रहा है तब तक ये सभी का बंध हो रहा है। हाँ उसमें कुछ अनुभव कम ज्यादा बनेगा उससे कुछ फल नहीं मिलेगा उसको, यानी उसके मोक्ष मार्ग में उसका कुछ भी फायदा नहीं है। आज कितने बार कहा ना गुरुदेव ने छोड़ाला कि मुनिवृत्त धार अनंत बार ग्रह को पूछा, ये मनुष्य पना पाना कितनी दुर्लभ है और हम आप मनुष्य कितनों को दीक्षा लेने के भाव होते हुए, और वो कैसे मुनिव्रत धारण किया और ग्रैविक में कौन जाएगी जो शुक्ल दिशा में आयु का बंद करेगी, और वो भी हम आप जैसे पंचम काल का कोई ग्रैविक नहीं जा सकता क्योंकि वहां तो उत्तम सहनन का नियम है, वो चौथे काल के ही जाएंगे, तो चौथे काल में कितने बार जन्म होगा और कितने बार मुनिपना का परिणाम हुआ होगा, और आयु के बंध में पीत पद्म रेशा भी नहीं चलेगी, शुक्ल रेशा होगी तो ग्रैविक में जाएगा, और वो भी कैसा द्रव्यलिंग निरतिचार पालन करने वाला, तो कितने मंद कषाय वाले होंगे तो उससे क्या होगा। तो अनंत बार क्या उसका अर्थ है, आत्मज्ञान हुआ नहीं उसको, क्या भूल हो गई, मैं जीव तत्व या आश्रव तत्व एक हूं ऐसे मान्यता की, इतनी भूल हुई, स्वभाव की उसने सारी क्रियाएं की, हमें ये क्रियाओं में ही धर्म लगता है ना, उन्होंने ऐसे माना ये क्रिया करते करते मेरा कल्याण हो गया, मैं मुनि हूँ मुझे अभी और ये करते रहना है और इसी से मेरा मुक्ति होगी, ये मान्यता ही मिथ्यात्व है। पहले में पहले मान्यता सुधारना है, पहले में पहले ये क्या करता है, प्रवृत्ति सुधारने की बात, मान्यता वैसे अंदर रहती है और ऊपर व्रत करने लगता है, नहीं समझे, कोई रस्ते पे जाता जाता गिर गया, चोट आई, वहां बहुत सारा वो तो जिसको कहें गोबर और धूल और कटे सब पड़े थे तो चोट आ गई और उसको जख्म हो गए, तो हमने क्या किया उसको, ताबड़तोब तो उसको अच्छी तरह से पट्टी बांध दी, अच्छा किया कि नहीं, सब नहीं कह रहे क्यों भाई क्या हुआ क्या क्या रह गया, अरे उसकी सफाई करनी थी ना, जो अंदर जंतु है कुछ है गए है अंदर फॉरिन बॉडी जो है वो अंदर तो उसके तो उसको जंतुओं को पनपने के लिए अच्छा मिल गया ना, उसको ऊपर तो प्रोटेक्शन मिल गया, अभी तो अच्छी तरह से उसमें पनपेंगे और वो सेप्टिक हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा, काटना पड़ेगा। हम भी क्या करते हैं, मिथ्या तो उल्टी मान्यता कायम है सब, और ऊपर क्या लगाते हैं, व्रतों की पट्टी चढ़ा देते हैं, अच्छा लगता है ना, तो मिथ्या मान्यता पुष्ट हो रही, क्यों, क्योंकि उसने अपने को समय दृष्टि मान लिया, मैं तो अभी मुनि हो गया, मैं तो अभी व्रती हो गया, मैं तो अभी प्रतिमाएं धारण की और मैं तो अभी है, तो मुझे क्या अभी और आगे के व्रत धारण करने, तो मैं आगे बढ़ूंगा इसी से मोक्ष होगा, ये सारी क्या है, ये मिथ्या मान्यता चले, यानी वो केवल कषायों को थोड़ा मंद करने की कोशिश करता है, पर वो मिथ्या को वाला मूल जो बात है, जो मूल जो कारण है, वो उसी को साबित करता है, तो कब उसका कल्याण होगा, तो एकाध भोग मिलेगा, ग्रैविक का भी क्यों ना मिले, ग्रैविक वाला मरकर मनुष्य में आएगा, मनुष्य फिर वो तो जैसे परिणाम है चारों गति में घूमता है। अभी आज के जमाने में पंचम काल में तो कोई ग्रैविक में नहीं जाएगा, तो कहेंगे नहीं नहीं हम तो पुण्य कमाना चाहते, यहाँ मरकर कहाँ जाने चाहते, कोई तो विदेह में जाने चाहते, हाँ कोई स्वर्ग में जाना चाहते, तो कहाँ जाने आपको,
अंदर कहाँ जाता है, नहीं जाता है ना, वर्कर कहाँ जा रहा है उसकी सोचता है। तो महाविदय में यहाँ से जन्म लेने वाले तो मिथ्या तो मिल जाएंगे, क्योंकि मनुष्य से मनुष्य में जाने वाले मिथ्या विष्णु। हमारे कोई पहले के जमाने हमारे कोई रिलेटिव कहते थे यहाँ से स्वर्ग में जाएंगे और वहाँ क्या सभी तीर्थंकरों के समोसा में जाएंगे। अरे यहाँ के थोड़ी अनुकूलता छोड़कर स्वाध्याय में नहीं आता है और वहाँ देवों की इतनी वैभव है उसको छोड़कर वो तो तीर्थन करके समोसन में जाएंगे कि घूमने जाएंगे। यहाँ एक रानी को नहीं छोड़ता वहाँ तो क्या करें। तो ये है कि जब तक वो मिथ्यात्व है तब तक कितना भी कषाय मंद क्यों ना हो उसको वो अविरति में ही जाएगा और उसके सारे के सारे का बंध तो होता ही है। तो ये अविरति में और हमने कषाय में 25 में से 16 देखे। नव हाँ प्रश्न। मिथ्या तो दूसरे को दिखता नहीं लेकिन उपवास आदि करेंगे तो लोगों को दिखता नहीं। कि मिथ्या तो वो किसी को दिखता नहीं रहा, अपने को नहीं दिख रहा दूसरे की क्या बात है। तो कहते कि मिथ्या तो दिखता नहीं है और उपवास करेंगे तो दिखता है ना कि दश लक्षण चल रहे हैं, आपने षोडश कर्म किया ना, हाँ तो सबको दिखता है ना। तो वाहवाह भी होती है समझ में और वो किसी ने तत्व ज्ञान का अभ्यास किया कुछ अपने में उसकी भेद ज्ञान करने की कोशिश की, वो तो किसी को दिखता नहीं है। तो लोगों को दिखाने के लिए धर्म करना है कि अपने को सुखी होने के लिए करना है, क्योंकि समाज में क्या उसकी प्रतिष्ठा होती है ना, उसने इतना किया उसने इतना किया। अब अपने दिगंबरों में नहीं, पर हम विदेश में जाते थे हमेशा, तो इसने इतने आय मिल किए उनके होते तो उसे वर्षित अब किया और कितने क्या किया उसी को अच्छा मानते। अपने में भी नहीं ना, वो इसने ये प्रतिमा धारण की वो प्रतिमा धारण की, ये छोड़ा वो छोड़ा, मिथ्या तो कायम रखा और बाकी इसको छोड़ा उसको छोड़ा। ये कहते तू सबसे छोटा ही हो, वो बेच दी के उसमें वचनामृत में आता है, तो तू तो ज्ञायक स्वरूप भगवान हो तो सब बाकी सब उससे छूटे ही पड़े, तुझे कहाँ किसी को छोड़ना है। और इस सबको छोड़ने में इसने धर्म मान लिया कि मैंने ये छोड़ा मैंने वो छोड़ा मैंने इसका त्याग किया मैंने उसका त्याग किया, पता ही नहीं ना उसको क्या मान रहा है। ये मान्यता का दोष है, फिर से बताती हूँ, छोड़ने का या किसी उपासादी का निषेध नहीं हो रहा है, लोग उल्टा सुन लेते हैं और कहते हैं उसकी सब यहाँ उल्टा उपदेश है, ऐसी बात नहीं। तो देखो यहाँ 689 पेज पर हम बोल रहे थे पहली लाइन से, अनंतानुबंधी अप्रत्याखानावरण प्रत्याखानावरण संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, ये 16 कषाय और 9 कषाय के नाम बताएंगे। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा पुरुष वेद स्त्री वेद नपुंसक वेद, ये 9 कषाय, ये 25 सब मिलकर क्या कहा कषाय। अब यहाँ योगों की बात है, तो योग हमने क्या देखा था, मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का जो कंपन होता है उसको भी यहाँ योग कहा है। तो योग क्या है, तो जीव की कर्म को आकर्षण करने की शक्ति है उसको कहेंगे भाव योग, और द्रव्य योग क्या है, आत्म प्रदेशों का जो कंपन है उसको कहेंगे द्रव्य योग। ये द्रव्य योग भी और भाव योग भी आत्मा में होते हैं, जैसे द्रव्याश्रव हम उद्गल में कहते हैं और भावाश्रव जीव में कहते हैं, ऐसे योग में दोनों प्रकार के योग जीव में ही होते हैं। आत्म प्रदेशों का एक्चुअल कंपन जो है, स्पंदन जो कहेंगे परिस्पंदन कहेंगे, वो जीव के आत्म प्रदेशों का अपना होता है, वो भी द्रव्य में जाएगा। और जो शक्ति है, शक्ति नहीं समझते, जैसे लोहे को आकर्षण करने की शक्ति नहीं है, पर हमने क्या किया उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक समझे उसके इलेक्ट्रिक वायर करके उसको करंट ऑन कर दिया तो क्या है उसमें वो लोह चुंबकीय शक्ति मैग्नेटिक पावर होती है, तो उससे वो लोहा उससे आकर्षित होता है। ऐसे ही जीव में भी जो कारवान शरीर नाम कर्म के उदय से कैसी शक्ति है, कर्म को खींचने की आकर्षित करने की, यानी कारवान वर्गणा कर्म रूप होने की उसमें शक्ति उत्पन्न होती है, उसको कहेंगे भाव योग। यहाँ तक समझ में आई बात। तो हमने कर्म के बंध के कारण कौन से देखे थे, मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग। मिथ्या तो के हमने 5 प्रकार देखे थे, कोई पीछे के भाई बताएंगे हमको 5 प्रकार कौन से हैं। हाँ बोलो भावेश भाई के बाजू में पीछे बैठे। हाँ बोलो बोर्ड पर लिखे ना, मिथ्या तो के 5 प्रकार,
कौन बता, अरुण भैया आप बताएंगे मिथ्या तो के पांच प्रकार, और अविरति के 12 प्रकार कौन बताएंगे, चार छह बताना है। पहले इंद्रिय अविरति, उसमें पांच इंद्रिय मन संबंधी छह हो गए, और छह प्रकार के काय हिंसा की जो उसमें प्रवृत्ति है उससे हटा नहीं है, वो काय उस संबंधी षट काय संबंधी अविरति, ये मिलकर टोटल 12 हो गए। कषाय में कितने लिए, टोटल 25 लिए, 16 कषाय और 9 कषाय। अब योग को देखना है तो योगों का वैसा उसका बहुत विस्तार है, परंतु उसमें मूल भेद हम देखेंगे। मनोयोग 4 प्रकार का, वचन योग 4 प्रकार का, और काय योग 4 प्रकार का, तो उसकी चर्चा हम दोपहर में करेंगे, क्योंकि अभी और यही रुकेंगे। बोलो 2400।